नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल आसान सी योगा एक्सरसाइजेस, जिनको आपको कब करना है, जब आप रात को सोने जाते हैं, सोने से 10 से लेकर 5 मिनट पहले, और कितनी देर करना है, सिर्फ 2 मिनट, और 2 मिनट ही काफ़ी है। और कैसे करना है, अपने बेड पर बैठ जाइए और बैठे बैठे ही आप इन योगा एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये सिंपल सी योगा एक्सरसाइजेस है, ये बहुत तेज़ी से आपके पेट को बिल्कुल अंदर कर देगी। इसके साथ ही अगर आपके कहीं और भी फैट है, जैसे कि लोअर बॉडी वगैरह पर फैट है, तो वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप इन योगा एक्सरसाइजेस को करने के बाद रात को सोने जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जितनी भी एक्स्ट्रा आपने दिन भर कैलरीज है, जो एक्स्ट्रा आपने ले ली है, वो आपकी बर्न हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा तो आपको यही मिलने वाला है, क्योंकि दिन भर हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता है, तो आप रात को आराम से बैठे बैठे इनको, चाहे जितना देर, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ आपको 2 मिनट करना है, लेकिन आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है और आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में होते हैं, तो आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एफर्ट भी डाल सकते हैं। एक ज़रूरी बात का आपको ध्यान देना है, आप खाना खाने के तुरंत बाद इसको नहीं करेंगे, कम से कम आपको इसको करना है 1.5 से लेकर 2 घंटे बाद। यानी कि जैसे कि आप 9 बजे कर रहे हैं, तो कम से कम आप 7 बजे 7:30 बजे खाना खा लीजिए, एकदम तुरंत खाना खाने के बाद आपको नहीं करना है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सा चलते हैं, देखते हैं इन योगा एक्सरसाइजेस को। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बैठना होगा सबसे पहले तितली आसन में। हम सभी जानते हैं इसको हर कोई कर सकता है और ये बिल्कुल आसान है। आपको इस तरीके से तितली आसन में बैठ जाना है, अपने दोनों हाथों से आपके जो पैर के पंजे होते हैं, स्पेशली जो अंगूठे होते हैं, इनको इस तरीके से पकड़ लेना है। इसका करने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी जो बॉडी है वो तैयार हो जाएगी करने के लिए, और ये आपके पेट को भी कम करता है, आपके थाइस फैट को भी कम करता है, और ये महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको आपको सिर्फ और सिर्फ 35 से लेकर 40 सेकेंड करना है। करेंगे आराम आराम से इस तरीके से, काउंट कर लेते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो पहली बार कर रहे हैं वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करेंगे, और जो थोड़ा सा करते रहते हैं वो इस तरीके से, यानी कि जितने पैरों को आप उठा सकते हैं उतना उठा लीजिए, क्योंकि इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान रखें आपके ये पैर के जो पंजे हैं इस तरीके से नहीं हिलना चाहिए, जैसे कि ये, इसको पकड़ लीजिए, सिर्फ पैर को हिलना है, यानी कि आपकी सिर्फ थाइस है उन्हीं को मूव करना है। ठीक है, आपको करना है पूरा 35 से लेकर 40 सेकेंड, और आप देखेंगे कि कितना अच्छा आपको ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फील हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, और आपका फैट भी जाएगा ही जाएगा। 40 सेकंड करने के बाद अब आ जाना है हमें अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ओपन करके बैठ जाना होगा। आपके जो पैर के पंजे हैं वो आपकी तरफ होना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ, इस तरीके से नहीं, अंदर की तरफ। ठीक है, इसमें कई लोग थोड़ी गलती भी करते हैं, इसलिए इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अपने दोनों हाथों को हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस तरीके से मुड़ना है, आपको अपनी कमर से मुड़ना है, बैक से नहीं मुड़ना है। यहाँ पर हम ज़्यादातर यही गलती करते हैं, ये नहीं करना है। ठीक है, करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जिन लोगों को कमर दर्द की थोड़ी सी ज़्यादा समस्या है, वो इस तरीके से भी नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि आपकी जो बैक है उस पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ा है। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको कितना करना होगा, इसको पूरा 1 मिनट, यानी कि कम से कम आपका
30 सेकंड एक पैर को और 30 सेकंड दूसरी पैर से हो पा रहा है। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप 30 सेकंड कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद 30 सेकंड फिर कर लीजिए, तो ये पूरा आपका 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अपनी दूसरी योगा एक्सरसाइज। चलिए अभी हमें इसी तरीके से ही बैठना है, पैरों को ओपन करके ही अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, और एक पैर को ऊपर की तरफ लाना है सांस को छोड़ते हुए। 1 2 3 सांस का ध्यान रखें। 4 5 6 जितना आप अपने घुटने को अपनी छाती के पास ला सकते हैं कोशिश करेंगे लाने को, जितना कर पाएंगे। ठीक है, कितना हुआ था हमारा? 7 8 9 10 आपका जो पूरा पेट है वो अंदर जा रहा है, आपकी थाइस की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है और आपकी जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी भी एक्सरसाइज हो रही है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इसको आपको पूरा 1 मिनट करना है। और इसको भी मान लीजिए अगर आप पूरा 1 मिनट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि होता है कि ज़्यादा देर नहीं कर पाते, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले 30 सेकंड कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए और 30 सेकंड फिर कर लीजिए, हो जाएगा आपका पूरा 1 मिनट। तो दोनों जो योगा है वो हो गए आपके पूरे 2 मिनट, 1 मिनट पहला 1 मिनट बाद, टोटली आपका कितना टाइम हुआ है, सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं। और अब देखिए कि आपका जो पेट है कितना अच्छा रिलैक्स फील कर रहा है, आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। अब अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम है तो आप ये योगा एक्सरसाइज है इसको भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, बहुत अमेजिंग है, इसको भी हम देख ही लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है, आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल ज्वाइंट होना चाहिए, साइड से इस तरीके से जाना है। 1 2 ये बहुत अमेजिंग है, इसको भी हर कोई कर सकता है। 4 5 6 7 8 9 10 ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। 10 9 ये आपकी साइड फैट बैली फैट दोनों को एक साथ कम करता है। 6 5 4 3 2 1 बहुत अच्छा है, आपका बहुत तेज़ी से पेट कम होता है। अगर आपके थाइस वगैरह पर फैट है वो भी कम हो जाता है, आपका साइड फैट खत्म होगा। और अगर आपके बैक वगैरह में पेन रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसको आप जरूर रात को सोने से पहले करें, नींद बहुत अच्छी आएगी। पूरा आपने दिन भर भी कितना भी एक्स्ट्रा खाया है वो आपका सारा सेट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा जो वीडियो है वो समझ में आ गया होगा, आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर सकते हैं, फटाफट कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ भी, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कैसे लगते हैं आपको मेरे ये वीडियो। अपने आप को हमेशा फिट रखें।